नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार 24 लाइव ऑनलाइन न्यूज चैनल में। आप देख श्रावस्तीपुर के शीर्ष से पूरी खबर। एसएसबी द्वारा किसानों को कृषि में उपयोग होने वाले वस्तुओं को किया गया वितरण। श्रावस्तीपुर के सिरसिया में सशस्त्र सीमा बल 62वीं वाहिनी भिड़गा द्वारा जय सिंह उप कमांडेंट के नेतृत्व में नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आपको बता दें, भैसाही डाका के जिम्मेवारी क्षेत्र के जूनियर हाईस्कूल सिरसिया के प्रांगण में किया गया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्र के 240 किसानों को कृषि में उपयोग होने वाले वस्तुओं जैसे छिड़काव मशीन, फवार, दराती, बीज इत्यादि किसानों को वितरण किए गए। 62वीं वाहिनी कार्यवाहक कमांडेंट जय सिंह के द्वारा किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ। इस दौरान उप कमांडेंट द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए बताया गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती व दूर दराज क्षेत्र के ग्रामीणों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है तथा कृषि में उपयोग होने वाले वस्तुओं को पाकर किसानों में चेहरे पर दिखी खुशी की लहर, किसानों में दिखी उत्साह। इस अवसर पर निरीक्षक संचार सुरेश कुमार, निरीक्षक सामान्य प्रदीप कुमार और सह उप निरीक्षक संचार शशिकांत, सिपाही शेर सिंह तथा एसएसबी के अन्य कर्मियों के साथ साथ सीमावर्ती गांव के ग्राम प्रधान व भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। श्रावस्ती रत्न से रमेश गुप्ता की रिपोर्ट। आइए आपको सुनवाते हैं कि एसएसबी के कमांडर के द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर क्या बताया गया, उन्हीं की जुबानी। सिरसिया में किया गया है सर, हाईस्कूल में क्या है सर लक्ष्य आपका? जी देखिए, ये नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम जो है हम लगभग हर त्रैमासिक मतलब 3 महीने में जो है एक बार करवाते रहते हैं, और इससे हमारा जो है जो उद्देश्य है वो ये है कि जो दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं उनका विकास हो पाए। तो हम उनको जो है कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित इक्विपमेंट्स और बीज वगैरह जो है इन चीज़ों का जो है वितरण करते हैं इसमें, ताकि जो सीमा पर रहने वाले गरीब जो है दूर दराज के लोग हैं हमारे, जिनका विकास उनके विकास में जो सहायक हो, तो हमारे द्वारा जो है उनके लिए सामग्रियाँ इसलिए वितरित की जाती हैं ताकि वो अपने जो है जीविका का जो भी उद्देश्य है उनका, उसको जो है उसमें उनको जो है हेल्प मिले। हमारी तरफ से जो है उनको एक योगदान के तौर पर जो हम वो करते हैं। सर, जो आपके द्वारा जो सामान वितरण किया जा रहा है ये किसानों के प्रयोग के में लिए किया जाता है, और लगातार ये सर कितने सालों से आपके यहाँ जो कार्यक्रम किया जा रहा है? ये लगभग जब से जो है हमारा डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पे हुआ है एसएसबी का, उस टाइम से ही जो है हम कंटिन्यू ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, और हर 3-4 महीने में जो है एक बार ये प्रोग्राम जो हमारे यहाँ से करवाया जाता है, होता रहता है। सर, कितने लोगों को आज जो है जो ये आज हमारे इस कार्यक्रम में जो है 240 लोगों को जो है हमने लाभान्वित किया है। इसमें हमने 240 ग्रामीणों को जो है, 240 परिवारों को जो है इसमें सामान वितरित किया है। इसमें हमारे पास जो है स्प्रे पंप मशीन जो दवाई वगैरह के छिड़काव के लिए, और फावड़ा, हाँसिया और बीजों का वितरण हमने किया है। सर, ये सभी क्षेत्रों से लिए गए हैं कि कोई एक ही सीमा क्षेत्र जो है? नहीं नहीं, जितना भी हमारा AOR जो है वो सभी 6 कंपनियाँ जो हमारी यहाँ पर डिप्लॉय हैं उनके AOR में पड़ने वाले जो गाँव हैं उन सभी गाँव के लोगों को जो है इसमें लाभान्वित किया जा रहा है।